आज विश्व ओजोन दिवस है। आपको आज विश्व ओजोन दिवस के बारे में, ये जो हमारी ओजोन लेयर है ये क्या है, क्यों है, हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन के बारे में आपने सुना होगा कि छेद हो गया था, है ना, वो छेद क्या चीज है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ठीक हो रहा है, कौन सी चीज से हुआ था, ये तमाम बातें आज हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, O3 है, है ना, मतलब ऑक्सीजन के तीन जो है एटम एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसको हम O3 बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। जब दो एटम एक साथ होते हैं तो हम उसको ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, और जब सिंगल एटम होता है तो उसको सिंपल हम ऑक्सीजन बोलते हैं, है ना। तो तीन तरीके से ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, O, O2, O3, ठीक है। ओजोन जो है वैसे तो पूरे वायुमंडल में पाई जाती है, है ना, यहां से लेकर और करीब 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन है, लेकिन 90% ओजोन जो है वो धरती के इस भाग में पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, या हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, है ना। धरती से जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, वायुमंडल है ना हमारी धरती के ऊपर, तो इस वायुमंडल को हम लोगों ने कई भाग में बांटा है धरती से ऊंचाई के हिसाब से। तो यहां से लेकर लगभग ये 12-15 किलोमीटर का जो ये ऊंचाई है जमीन से लेकर ऊपर तक, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। यहां से करीब 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की जो ऊंचाई है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। तो ओजोन जो है 90% ओजोन यहां पर पाई जाती है, 10% ओजोन यहां पर भी है, है ना। तो ओजोन बनती कैसे है, ओजोन बनती है इसी समताप मंडल के अंदर ही। उसमें क्या होता है कि O2 है और प्लस O2 है। अब इस पे क्या होता है, सूरज से जो प्रकाश आता है वो O2 को तोड़ देता है O+O में, और प्लस एक O2 मिलता है तो ये मिलके क्या बना लेता है, O3 बना लेता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चला करती है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में कि ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता रहता है, और ओजोन भी O3 भी टूटकर जो है, है ना, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहती है, O2+O बन जाता है फिर, है ना, वो ऐसे ऐसे प्रक्रिया। तो ये लगातार चलती रहती है, एक साइकिल। प्रकृति में क्या होता है, कोई चीज परिवर्तित होती है तो वापस फिर अपने स्वरूप में आ जाती है, इसी को तो चक्र कहते हैं भाई। पानी ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो प्रकृति में सब कुछ साइकिल की तरह चलता है, इसीलिए प्रकृति संतुलन में रहती है भाई। अगर कोई एक चीज पानी वाष्पीकृत सारा हो जाए, नीचे आए ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, और अगर खाली ऊपर का सारा नीचे चला आया, वाष्पीकृत ही ना हो तो भी सब रुक जाएगा। तो वैसे ही जितनी भी प्रकृति में जितनी भी चीजें हो रही हैं ये चक्र के रूप में हो रही हैं, इसीलिए संतुलन बना रहता है। जब ये चक्र बिगड़ता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। अब हुआ क्या, करीब आज से लगभग 50 साल पहले हम लोगों ने एसीज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो आप लोग देखते हैं ना ये क्या काम करती हैं, एसी और रेफ्रिजरेटर किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, कूलिंग के लिए, है ना। फ्रिज में हम अपना सामान रख देते हैं वो ठंडा हो जाता है, एसी क्या करती है हमारे कमरे को कूल कर देती है। अब ये कूलिंग करती कैसे है, कुछ गैसें इसके अंदर भरी जाती हैं, एक सिलेंडर रहता है इसके अंदर, उसमें कुछ गैसेस होती हैं। ये इन गैसेस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये उसके अंदर जितनी गर्मी होती है उसको सोख लेती हैं और सोख के उसको बाहर निकाल देती हैं। यही ऐसे ही काम करता है हमारा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, और ऐसे ही काम करता है हमारा एसी, है ना। तो ये गर्मी निकालने का काम कौन करता है, ऐसी कुछ विशेष गैसें। तो ऐसी एक गैस जिसका प्रयोग शुरू में काफी, हालांकि इसका आविष्कार सन 1930 के आसपास हुआ था, पर फिर बाद में जब इसका बड़े स्तर में उपयोग होने लगा 1970 के आसपास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, लोग बहुत सारे एसी लगाने लगे, फ्रिज रखने लगे अपने घरों में, तो इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। फिर बाद में ये एसी से और फ्रिज से निकलकर हमारे वायुमंडल में जाने लगा, है ना। तो वैसे तो इसको हम लोग CFC लिख देते हैं, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CFCl, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, है ना। तो इसमें ये क्लोरो जो है ये है क्लोरीन, और ये फ्लोरो कार्बन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पूरी CFC नहीं करती, इसमें से क्या होता है जब ये हमारे वातावरण में जाती है तो इसमें से क्लोरीन जो है ये अलग हो जाता है ना। क्लोरीन फिर यहां से अलग होकर चला जाता है यहां पर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, और ऐसे ही क्लोरीन इन्हें ब्रोमीन, है ना, इनको, है ना, हम लोग एक अपनी जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, है ना, तो इनको अलग ग्रुप में रखते हैं ना, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, फ्लोरीन को, है ना। तो इसमें से खासकर जो क्लोरीन और ब्रोमीन है
ये दोनों ओजोन को तोड़ने का काम करते हैं, और ऐसे नहीं तोड़ते, ये चेन रिएक्शन होता है ना। मतलब O3 जो है O3 प्लस Cl मिलता है और ये बनाता है O2 प्लस ClO, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ये ClO फिर O2 से मिलता है, और ये लगातार ऐसे ऐसे ही ये चेन रिएक्शन करता रहता है, और एक क्लोरीन का एक सिंगल जो एटम है ये हजारों लाखों एटम को तोड़ देता है ओजोन के, जब तक ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। तो हम लोगों ने जब ये एसी और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बढ़ाया पूरी दुनिया में, हर कोई भाई कहने लगा चलो प्रोग्रेस करते हैं, है ना, अपने घर में एसी लाते हैं, रेफ्रिजरेटर लाते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग हो रहा था, तो बड़े पैमाने पर इसका उत्सर्जन पूरी दुनिया में हुआ। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, और भी तमाम तरीके से क्लोरीन का ब्रोमीन का उत्सर्जन कई सारे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में भी किया जाने लगा। और चूंकि एसी हर घर में पहुंच गई, फ्रिज हर घर में पहुंच गई, और इतनी बड़ी जनसंख्या है तो इसका उत्सर्जन और ज्यादा हो गया। उस कारण से हमारी ओजोन परत जो है उसमें बड़ा नुकसान होने लगा, है ना। तो ओजोन परत गैस है, है ना, एक उसकी हाईली डेंस गैस है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी करीब यहां से लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा होती है अपनी धरती से। 15 किलोमीटर से ये ज्यादा मिलना शुरू होती है, मिलती है 40 किलोमीटर तक, पर इसकी यहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हुआ क्या कि खासकर एंटार्क्टिका के ऊपर ये बड़ी तेजी से खत्म होने लगी, और देखा गया कि लगभग 70% वहां पर ओजोन की डेंसिटी कम हो गई, है ना। ओजोन की डेंसिटी को हम लोग डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, है ना, इसके लिए एक मात्रक बनाया गया। तो इसकी डेंसिटी वहां पर 70% कम हो गई, मतलब जो अल्ट्रावायलेट किरणें वो रोक पा रही थी, अब 70% ओजोन की डेंसिटी खत्म होने के कारण वो किरणें नीचे आने लगी। अब अल्ट्रावायलेट अगर नीचे आती है तो इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, कुछ पता आप लोगों को? स्किन डैमेज जाता है, स्किन डैमेज, स्किन कैंसर, यही नहीं, हम लोग इंसान है तो इंसान के जैसे क्यों है, अपने डीएनए के कारण। तो ये हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा देता है, हमारे अंदर म्यूटेशन करा सकता है, आंख के लिए आंख की तमाम बीमारियां पैदा कर देता है, प्लांट्स के भी ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, पौधों की पत्तियां छोटे होने लगती हैं, है ना। इसके अलावा पौधों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, पौधों की वृद्धि में और उसमें पोषण के लिए बड़ा आवश्यक होता है, साइनोबैक्टीरिया को खत्म करने लगता है। तो चाहे पौधों का जीवन हो, चाहे हम जैसे जंतुओं का जीवन हो, सबके जीवन पर यह बुरा असर डालता है। अगर ये हमारी ओजोन परत ना होती तो जीवन होता ही ना यहां पर। अल्ट्रावायलेट किरणें बड़े पैमाने पर आती हैं सूरज से, वो अगर सीधे नीचे आती जीवन ही ना होता, इतनी खतरनाक होती हैं। इसका एक फायदा भी लेकिन है अल्ट्रावायलेट का, क्या फायदा है? विटामिन डी, सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलता है, वो लाइट के कारण नहीं मिलता, वो अल्ट्रावायलेट के कारण मिलता है। तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट तीन तरीके की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी, है ना। तो इसमें से थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट ए और बी नीचे आ जाती है ना, तो वही हमें विटामिन डी देने का काम करती है। मतलब 100% अगर ओजोन रोक ले अल्ट्रावायलेट को तो हम सभी को तो विटामिन डी की कमी हो जाए, है ना, हम सबकी हड्डियां कमजोर होने लगे, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा बॉडी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, है ना। तो जरूरी भी है ये, लेकिन थोड़ी सी जरूरी है, मतलब वो छन्नी जो है उसे बस जरा सा आना चाहिए, ज्यादा आ जाएगा तो प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम। तो हमने जो ये समस्या पैदा की क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के माध्यम से, इसने क्या किया, परत में नुकसान पहुंचाया, ज्यादा नीचे आने लगी। तो इस समस्या को आइडेंटिफाई किया गया करीब सन 1980 के आसपास, फिर दुनिया के तमाम देश उन्होंने बैठकें करना शुरू किया कि भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इससे तो हम सब खत्म हो जाएंगे धरती से। तो फिर वो लोगों ने चर्चा करते करते वो लोग 1987 में आज ही के दिन, ठीक है, एक नतीजे पर पहुंचे कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन को रोक देना चाहिए, और इसकी जगह पर वैज्ञानिकों ने कहा कि हम दूसरे किसी गैसेस के बारे में कुछ इन्वेंशन कर लेते हैं जो हमारी कूलिंग का काम करे और जिससे हमारी ओजोन परत को नुकसान ना हो, है ना। तो 1987 में यह तय किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बंद होगा, और उस वो बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल नाम का एक शहर है कनाडा में, वहां पर, इसीलिए इस जो वो एक पूरा का पूरा एक समझौता तैयार किया गया, उसको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप लोग शायद प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बातें पढ़ते होंगे, है ना। तो यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू होने के बाद हर साल 16 सितंबर को हम लोग ओजोन लेयर डे जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, और ये आज तक का सबसे सफल
पर्यावरणीय समझौता रहा है वैश्विक स्तर का। इसके बाद हालांकि प्रतिबंध 1987 से लगे नहीं भाई, प्रतिबंध 87 में कहा गया लगा रहे हैं, लेकिन अब उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया था, अचानक कहते उनका इस्तेमाल नहीं होगा तो कंपनियां बंद हो जाती। तो इन्होंने कहा कि सन 1989 से, मतलब इसके 2 साल बाद से यह लागू होगा। इसके बाद सारे देशों ने इसके हिसाब से, चूंकि कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता किसी देश के कानून के ऊपर लागू नहीं हो सकता जब तक वो देश उस समझौते के हिसाब से खुद कानून ना बनाए, तो अलग अलग देशों की सरकारों ने फिर अलग अलग अपने यहां पर कानून बनाए। कई सारे देशों ने एकदम प्रतिबंधित कर दिया, कई सारे देशों ने कहा कि भाई धीरे धीरे कम करेंगे, पर काफी हद तक ये इसके बाद कम होने लगा। इसके बाद मतलब 1995 तक देखा गया कि अब वो जो होल क्रिएट हुआ था अब वो और बढ़ना बंद हो गया। सन 2000 आते आते देखा गया कि अब ये होल धीरे धीरे हील हो रहा है। अभी 2019 में नासा ने इसके ऊपर एक अपना अध्ययन किया और नासा ने बताया कि होल काफी भर गया है और अनुमान है कि सन 2070 तक ये सन 1980 के लेवल जैसा होल जो है वापस आ जाएगा, मतलब जो स्थितियां 1980 में थी, हालांकि थोड़ा डैमेज 1980 में भी था, बहुत ज्यादा उस समय नहीं था, तो वो स्थिति वापस मिल जाएगी सन 2070 तक अगर हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहेंगे, अगर हमने कोई और ऐसी गैस नहीं बना दी जिससे वापस ओजोन का क्षरण होने लगे। अब हालांकि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद किस चीज का प्रयोग शुरू हुआ, इसके बाद आया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन था लेकिन कम था, इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ था, है ना, तो ये कम ओजोन के लिए कम नुकसानदायक था। इसके बाद फिर एक और स्टेप और आगे बढ़ा गया और आजकल यूज हो रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन चूंकि यही काफी खतरनाक है, है ना, इसका प्रयोग आजकल एसीज में रेफ्रिजरेटर्स में हो रहा है और ये इतना शानदार, पूरी दुनिया ने मिलकर इतना शानदार निर्णय लिया, काम किया, हम लोगों ने ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने में सफलता प्राप्त की, है ना, और धीरे धीरे अब ओजोन परत हमारी सही होने की दिशा में बढ़ रही है। अब ये तो एक समस्या थी, ओजोन डिप्लीशन के बारे में हमने बात कर लिया, अब आज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं भाई, ये समस्या उत्पन्न हुई हम लोगों ने ठीक कर लिया, अब ठीक हो रही है, है ना, तो इसके बाद फिर एक और समस्या हमारे सामने आई, वो इसी के साथ ही शुरू हुई थी, इसके ऊपर चर्चा उसके ऊपर भी इसी के साथ ही शुरू हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, है ना। अब ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार थी, सीएफसीज और अलग तरीके से भी अगर क्लोरीन और ब्रोमीन का उत्सर्जन हो रहा था, है ना, वो जिम्मेदार था।